अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम की नई और लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हाज मोहम्मद अली 40 साल पहले चमकरान गए, सुबह से अपनी बीवी को साथ लेकर दोपहर तक दुआए आहद पढ़ी, आले यासीन पढ़ी, नुदबा पढ़ी, ज़ियारत इमाम पढ़ी, दोपहर तक रोता रहा। दोपहर हुई, थक गया, बीवी को कहा उठो, लगता है इमाम अपनी ज़ियारत नहीं कराएंगे, हमारी दुआ नहीं सुनेंगे। घर से मस्जिद जमकरान से बाहर निकला, 40 साल पहले मस्जिद छोटी थी, आपको पता है अतराफ में बहुत बड़ा सहरा है। इसने दूर से देखा एक शख्स सहरा से आ रहा है, इसको महसूस हुआ आने वाला प्यासा है। जैसे वो इसके करीब आया, इसने बीवी को कहा जल्दी से, मीठा पानी था इसके पास, पानी निकालो, प्यासा आ रहा है। जो भी था अली वाला था, इसको पता था प्यासे को प्यासा नहीं रहने देना। इसने गिलास में पानी डाला, जैसे उस सैयद को देखा, इसने कहा अगर आपको प्यास लगी पानी पिलाऊं। उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है। कहा उसने पानी पिया, और जैसे पानी पिया, पानी पीने के बाद उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बादलों से बारिश बहती है। पूरे उनके महासिन आंसुओं से गीले हो गए, और जबान से ये जुमला निकला कि मेरा सलाम हो मेरे दादा हुसैन की प्यास पर। फिर कहा अल्लाह लानत करे उस पर जो नहर फुरात में और मेरे दादा हुसैन के दरमियान जिसने फासला डाला था। इतना कहने के बाद इमाम ने इसके चेहरे को देखा, कहा आज मोहम्मद अली इतनी जल्दी थक गए, दोपहर तक कुछ पड़ा, थक गए। उस वक्त इमाम ने इसको गिलास दिया, कहा अगर इस गिलास जितनी भी अहमियत मेरे शिया मुझे देते, जितना एक प्यास लगती है ना गिलास पानी के पीछे तू जाता है, अगर इस प्यास गिलास जितने पानी जितनी मेरे शिया मुझे अहमद अहमियत देते, फिर मैं आज मैं इतना न रोता। मैं तो मौजूद हूं लेकिन ये मशगूल है अपने कामों में, अपने घर में, कोई टीवी पर, कोई किसी में, इसको मैं याद ही नहीं हूं।